नमस्कार, मैं प्रोफेसर SVSS नारायण राजू यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं स्वागत करता हूँ। आधुनिक हिंदी नाटक के मसीहा कहते हैं मोहन राकेश को, और मोहन राकेश के अनेक नवीन या नए नाट्य प्रयोगों की तो बहुत लंबी सूची है। इसमें खासकर बीज नाटक जैसे शायद और हाँ, इन दो बीज नाटकों की विशेषताएं क्या है, आज मैं मोहन राकेश द्वारा रचित दो बीज नाटक शायद और हाँ से संबंधित मुख्य विचार या इससे संबंधित जानकारी मैं देना चाहता हूँ। सबसे पहले बीज नाटक क्या है, उसकी विशेषताएं क्या है, हम देखेंगे। भारतीय या पाश्चात्य नाट्य परंपरा में बीज नाटक का संकेत प्राप्त नहीं होता। अभी तक हिंदी नाट्यालोचन में भी इसका स्वरूप स्पष्ट नहीं हो पाया है। वस्तुतः बीज नाटक यह नाम स्वयं मोहन राकेश का दिया हुआ है, जिसमें एब्सर्ड नाटक जैसी कुछ विशिष्टताएं प्राप्त होती हैं। मनोविज्ञान के आधार पर बीज नाटक की आंतरिक संरचना को समझा जा सकता है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि जिन बातों को हम सोचते व करते हैं उसका बीज भाव हमारे मन में दबा होता है। उदाहरण के लिए, आत्महत्या कोई भी हठात नहीं करता, उसका भाव उपचेतन में दबा होता है, पर कभी क्षणिक आवेग पाकर अचानक उभर आता है। मनुष्य की बहुत बाह्य क्रियाओं का मूलाधार बीज भाव है, अतः इसी भाव की नाच प्रस्तुति ही बीज नाटक है। जिन क्रिया प्रक्रियाओं को हम सामाजिक दबाव, नैतिक मर्यादाओं, शालीनता आदि के कारण अभिव्यक्त नहीं कर पाते, सतत दबाते रहते हैं, वे ही बातें कभी कभी अनायास किसी बाह्य शारीरिक चेष्टा, ध्वनि व्यापार अथवा असंदर्भित शब्दावली या प्रसंग रहित बड़बड़ाहट, टूटे टूटे वाक्यों, निरर्थक प्रलाप, इसी को एब्सर्डिटी भी कहते हैं, आदि द्वारा व्यक्त होती रहती है। वास्तव में देखा जाए तो निरर्थक कुछ भी नहीं, इन निरर्थक दिखलाई देने वाले शब्दों, वाक्यकंडों, प्रलापों तथा कार्यकलापों में एक पूरी अर्ध संगति होती है, जिसका बीज हमें अनिवार्यतः उसके अवचेतन में ढूंढना पड़ता है। बीज नाटक को निम्न रूप में समझा जा सकता है, हम एक एक के बारे में देखेंगे। सबसे पहले बीज का अर्थ है बीजारोपण। बीज नाटक को बीज लेखक के अंतर्मन में अवस्थित होते हैं, इसी के माध्यम से लेखक स्थितियों को नाटक में आरोपित करता है। इसके बाद बीज नाटक एक रसता या मोनाटनी की अवस्था है। जिंदगी माने अगर समझ लीजिए रुक गई है, जिंदगी की सारी घटनाएं अर्धहीन हो गई हैं, जीवन जल की तरह ठंडा होकर जम गया है। और आगे, बीज नाटक अर्थात अंतर मन की ग्रंथियों का बाह्य व्यक्तिकरण निरर्थक कार्यकलापों, आकारण चेष्टाओं, प्रसंगहीन शब्दों, वाक्यकंडों द्वारा अवचेतन की अभिव्यंजना। और शास्त्रीय आलोचकों ने बीज नाटकों को कथा वस्तु की अर्ध प्रकृति के प्राथमिक चरण बीज से जोड़ा है। इस मान्यता के अनुसार इस लघु कलेवर एकांकी में कथा के पात्र यथावत स्टैंड स्टिल कथा को बीज रूप में बनाए रखते हैं, इसका विकास नहीं होता। कथा जहां प्रारंभ होती है वहीं समाप्त होती है। बीज का अर्थ है संभावना, जहां जीवन की सारी संभावनाएं जड़ीभूत होकर बीज की तरह हो जाती हैं। इससे पता चलता है कि उपरोक्त विश्लेषण से ये पता चलता है कि मोहन राकेश के बीज नाटकों के माध्यम से हम ऐसे कह सकते हैं, प्रयोगधर्मी रचनाकार मोहन राकेश ने पूर्ण नाटकों के साथ ही कुछ छोटे नाट्य प्रयोग भी किए हैं, वही बीज नाटक के नाम से धर्मयुग में शायद 12 फरवरी और हाँ 13 अगस्त 1967 में प्रकाशित हुए थे।
परंतु इन दोनों नाटकों के कृत्य व शिल्प का विश्लेषण करने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान युग के पारिवारिक विघटन, व्यक्ति के अकेलेपन, मानवीय संबंधों और जीवन मूल्य के जिस विघटित रूप को आज की भाषा में आधे अधूरे में मूर्त करने का प्रयत्न किया गया है, उसी का पूर्व एवं संक्षिप्त रूप इन दो नाटकों में बीज रूप में दिखाई देते हैं। कह सकते हैं कि दोनों नाटक आधे अधूरे में प्रौढ़तम रूप में उभरने वाली मोहन राकेश की नाट्य कला का बीज रूप है। वैसे बीज नाटक शब्द के अर्थ के विषय में विभिन्न विद्वानों ने भिन्न भिन्न मत प्रस्तुत किए हैं। समकालीन संतरास को अपने लघु आवरण में समेटने की शक्ति ही मानो उसका बीज रूप है, जिसमें उसी को विस्तार देने की संभावनाएं निहित हैं। विष्णुकांत शास्त्री के मत में बीज नाटक एक ऐसी विधा है जो बीज रूप में व्यक्तियों के संबंधों या स्थितियों की करालता को रेखांकित बर कर दें, जिसे बाद में बड़े पूरे नाटक के रूप में विकसित किया जा सके। तो इसके यह निस्संदेह कहा जा सकता है कि बीज नाटक शब्द अर्ध की दृष्टि से अपने में विवादास्पद होते हुए भी अपने नाटकीय रूप में इस बात का प्रमाण है कि यदार्थ से आज की जीवंत भाषा में प्रत्यक्ष साक्षात्कार कराने का जो प्रयोग आधे अधूरे में किया गया, उसकी सज्जना और नाट्य चिंतन का बीज रूप ये दो बीज नाटक हैं शायद। और हाँ, दोनों नाटक स्त्री पुरुष के मानसिक तनाव के साथ जीने के विवशता, घुटन, अपने को स्पष्ट ना कर पाने की व्याकुल मनस्थिति, अर्थहीन जीवन को ढोने की मजबूरी आदि को कृत्य के रूप में लेकर चलते हैं। बीज नाटकों से मतलब रचनात्मक सर्वेक्षण समीक्षण के स्तर पर आज के उस तरह के नाटकों होगा जिसमें भाषा संवाद, कॉमन कॉम्पिटेंस, सम्मान सम्मत हो और तदनुकूल कृत्य की आधुनिक अहम फहम हो। शायद बीज नाटक में दो पात्रों के माध्यम से आधुनिक दाम्पत्य जीवन की ऊब, उदासी, निराशा और खालीपन की स्थिति को निरूपित किया गया। आज के अर्ध युग में प्रत्येक व्यक्ति यंत्रवत आजीवन बाग दौड़ में व्यस्त रहता है। प्रकृति तथा आसपास के अन्य व्यक्तियों के विषय में तो जानना दूर, वह अपने से भी अपरिचित बनता चलता है। भावना और विवेक से शून्य व्यक्ति का लक्ष्य केवल अर्ध प्राप्ति रह गया है। किंतु कोई व्यक्ति यदि इसे अर्धहीन बागदौड़ से हटकर जीने का हल खोजना चाहता है तो एक प्रकार की निराशा, विषाद और घुटन का जाल उसके चारों ओर छा जाता है। पहले बीज नाटक शायद में पुरुष इस प्रकार का पात्र है। जीवन में नित्य प्रति की दिनचर्या से हटकर जीने की कोश में वह भटक रहा है। आज से कल तक शायद वह गंतव्य या जीने का मार्ग मिल जाए। वस्तुतः यह नाटक मानसिक तनाव में उलझे पात्रों का हल खोजने का प्रयत्न है। पात्र परिचय में लेखक ने और कोई नहीं कहकर स्पष्ट कर दिया है कि दोनों के बीच सब कुछ जैसा चुक गया है। दोनों के अहम और सेंसिटिविटी परस्पर टकरा कर इस एकाकीपन को और भी गहरा जाते हैं। वस्तुतः नाटक में कच्च कहने योग्य कुछ भी नहीं है। स्त्री पुरुष के संबंधों का विघटन और तनावपूर्ण वातावरण में साथ जीने की विवशता संभवतः मोहन राकेश का प्रिय विषय रही है। संवादों के बल पर मानसिक तनाव की प्रत्येक अनुभूति को यहाँ कृत्य बनाया गया है। स्त्री पुरुष का वास्तविक स्थिति से बचने के लिए प्रसंगहीन बात करना, जैसे पुरुष का माचिस खोजना और स्त्री पुरुष का बार बार मरहम की बात करना, स्थिति की निरर्थकता को और भी गहरा जाता है। वस्तुतः यह नाटक अति भावुकता में जीने वाले व्यक्तियों की घुटन का आलेख है। समकालीन जिंदगी के एक वृत्त को निरूपित करने वाले इस बीज नाटक में असाधारण नाटकों के बीच में साधारण और साधारण के बीच में असाधारण स्थितियों का अंकन मिलता है। हाँ, बीज नाटक में स्त्री पुरुष के जीवन की भूप, विसंगति और अलगाव का निरूपण किया गया है। हाँ, एक रोगी की शारीरिक तथा मानसिक अनुभूतियों पर आदृत है।
जब तक व्यक्ति स्वस्थ है तब ही जीवन लोग एवं उसके आसपास का वातावरण उसके लिए कुछ अर्थ रखते हैं। विवश व रोगी व्यक्ति को उसके निकट के संबंधी भी धीरे धीरे छोड़ जाते हैं। धन का प्रश्न हमारे समाज में इतना भयंकर रूप धारण कर चुका है कि पुत्र भी अपने रोगी पिता को वेलफेयर हाउस में बेचकर मुक्ति पाना चाहता है। नाटक में पापा का चित्र भी इसी कारुणिक अवस्था का परिचायक है। पुत्र पुत्रियों द्वारा साथ छोड़ देने पर अकेली ममा मतलब उनकी पत्नी पापा के असाध्य रोग से संघर्ष कर रही हैं। वे किसी प्रकार की आर्थिक सहायता ना मिलने पर भी घर चला रही है और पापा को आंतरिक व्यथा से बचाने के लिए पुत्र का पत्र नहीं दिखाती, किंतु व्यक्ति का धैर्य और सहनशीलता भी चरम सीमा पर पहुँच कर चुक जाती है। ममा का जल्लाहट में दराज को फटक फटक कर टूटी प्यालियां, खाली शीशियां और फटे वस्त्र दिखाना तथा निम्न संवाद में मुझसे अब नहीं होता पापा, अब नहीं होता मुझसे, विषमता में गुठते पात्र की असहाय पुकार से वातावरण का संतरास और अधिक गहन हो उठता है। हाँ, मैं भी अब का बोझ है और एक रस्ता का संदर्भ है। हाँ, बीज नाटक कच्चे की दृष्टि से गतिहीन है। रोगी व्यक्ति और उस वातावरण में गुठती पत्नी की पीड़ा को नाटक मार्मिकता से संप्रेषित करता है। किसी प्रकार से समय व्यतीत करना ही उनके लिए सबसे बड़ा प्रश्न बन जाता है। नाटककार ने पात्र परिचय में और बीतता समय कहकर इसी तथ्य का संकेत दिया है। संवाद पात्रों के अवचेतन और परिस्थिति की विषमता का सफलता से परिचय देते हैं। पापा की पीड़ा को बुलाने के लिए बार बार हाँ कहना तथा रुपयों की गिनती करना इसका सशक्त प्रमाण है। जमशेद का चरित्र ममा की आंतरिक व्यथा को मुखरित करने का माध्यम प्रतीत होता है। बीज नाटककार मनोवैज्ञानिक दृष्टि से रोगी व्यक्ति के मस्तिष्क पर छाए द्वंद्व भाव को जहां अकारण ही उसे दूसरे से उपेक्षा अनुभव होती है संवादों के बल पर उबारने पर में सफल हुआ है। शायद और हाँ, बीज नाटकों में मध्यवर्गीय घर परिवार के वातावरण का चित्र बहुत जीवंत और प्रामाणिक है। रिटन स्पीच और स्पोकन स्पीच बना देने वाले प्रयोग यहाँ बहुत सार्थक लगता है। इसका क्लाइमैक्स शायद शीर्षक नाटक में देखते बनता है। आजकल पति पत्नी के बीच चलती दैनंदिन उलझुलूल के बीच काम की होती है। इस नाटक की तुलना में हाँ शीर्षक बीज नाटक कहीं कमजोर लगता है। इसमें एक बाल बच्चेदार पति पत्नी का कृत्य है। अपने बीमार पति के प्रति पत्नी की बेबसी और कीज को यहाँ ज्यादा उबारा गया है। इन बीज नाटकों में एक ऐसी पीड़ा को अभिव्यक्ति मिली है जो जीवन व्यापी रिक्तता और निष्क्रियता के साथ अधिकाधिक उभरती गई है। शायद और हाँ, दोनों बीज नाटकों में मध्यवर्गीय घर परिवार के वातावरण का चित्रण बहुत जीवंत और प्रामाणिक है। बहुत बहुत धन्यवाद।